Indrayani god. You just participate in that and become wear a mask and become a god and dance like that. And in that time, you just get every energy and poses of the god. Yeah. हाँ जी, तो मित्रा हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैं और रविश रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बंदीपुर। और अभी जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में रुके हुए थे लास्ट ब्लॉग, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस ब्लॉग में जाइए, देखिए उस ब्लॉग को देखिए, जिसमें कि हम बेसी शहर से पहुंचे थे बंदीपुर। और ये प्यारी सी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बंदीपुर विलेज रिजॉर्ट। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर आपको देखना है रूम कैसा है, प्रॉपर्टी कैसी है, तो लास्ट वाला ब्लॉग जाकर देखिए। तो अभी मैं और रविश दोनों निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बाबा? घूमी घूमी एक्सप्लोर करने के लिए बंदीपुर। बंदीपुर तो अभी हम लोग चेतक और बादल को यहीं छोड़ के जा रहे हैं, वो थोड़ा सा घास वास चरेगा, ठीक है, तब तक हम लोग घूम फिर के आते हैं। कफ बहुत हो गया क्योंकि रोड पे धूल बहुत है भैया यहाँ पे। जो हम घूमेंगे उसको अपने लेंस के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले मंदिर का दर्शन करते हैं। मंदिर का नाम है, उस मंदिर का नाम है थानी माई, ठीक है। तो इस रास्ते से ये देखो गेट दिख रहा है, ये है गेट, यहाँ सीधे हम हाइक करके चलेंगे मंदिर पे। चलिए, ये जो दिख रहा है ना गांव, ये विलेज का, देखो विलेज के बीचों बीच एक सड़क दिख रही है, पतली सी एकदम बिल्कुल सड़क दिख रही होगी, यही है बंदीपुर स्ट्रीट, जो कि हम आपको रात को दिखाने वाले हैं। देख रहे हो यार क्या जन्नत है, ऊपर से अलग ही अल्टीमेट लग रहा है ऊपर से भाई साहब। ऑलमोस्ट 15 मिनट का हाइक कर चुके हैं हम, लेकिन अभी भी नहीं पहुंचे हैं। माता बहुत ऊपर बैठी हुई है, ये देखो ऊपर नजर आ रहा है एक टीला, वहां तक पहुंचना है। कम से कम अगर हाइक करते हो आप तो फोटोग्राफी करते हुए सब चीज़ करते हुए आपको मिनिमम आधे घंटे लगेंगे ऊपर तक पहुंचने में। सो इसके पहले वाला जो व्लॉग था, मतलब लास्ट वाला व्लॉग जो था, उसमें हम आए थे बेसी शहर से बंदीपुर। तो अगर आपको सड़क देखनी है, कैसे आना है, क्या प्रिकॉशंस हैं, कहाँ पर किस चीज़ की चेकिंग होने वाली है, तो वो सब चीज़ें देखनी है तो लास्ट वाला व्लॉग जाके देखिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक पहुँचने के। हवा सुनो, हवा की कैसे पहाड़ों से हवा टकरा रही है तो आवाज आ रही है, सुनो। गाइस आर फ्रॉम देयर, Locals? Yeah. Okay, Bandipur? Yeah. Okay. Mumbai? Mumbai? Yeah. Favorite country? Shah Rukh Khan? Yeah. Mumbai मतलब Shah Rukh Khan, भाई ने बताया हमारे। ओए होए, पहुंच गए माता जी के टेम्पल, छोटी सी एक टेम्पल है, पहले वो दर्शन करा देते हैं आपको, फिर जो बड़ी वाली टेम्पल है वो भी दिखाएंगे। तो ये है माता रानी। चलिए आगे चलते हैं, जो मंदिर है मेन मंदिर है वो आपको दिखा देते हैं। चाहे वो माता रानी हो हमारी, चाहे वो हमारे महादेव हो, इनके तक पहुंचना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं है। जाते हैं पहले घंटी, फिर चलते हैं दर्शन करने। आशीर्वाद बनाए रखिए माता, हमारे से जुड़े हुए जितने लोग हैं सबको सुरक्षित रखिए। देख रहे हो, निकलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हम घूम रहे हैं और क्या आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। एंड दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, अगर आप सनसेट और सनराइज के शौकीन हो, आपको सनराइज देखना और सनसेट देखना पसंद है, तो आप यहाँ से आके सनसेट भी इंजॉय कर सकते हो, इस साइड से जिधर धुंध दिख रहा था, और इस साइड जिधर की बंदीपुर सिटी है
उस साइड से सनराइज आप देख सकते हो। तो दोनों चीजें इस जगह पे आने पे आपको देखने को मिल जाएगी। जो है नेक्स्ट जो दर्शन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम खड़गा देवी माता का। भाई साहब हवा तो ऐसी चल रही है, मतलब तूफान आया पड़ा है नेपाल में बंदीपुर में, देख रहे हो? ये देखो यार, देख लो कैसे झूम रहे हैं पेड़। अरे रे। सो दोस्तों, अगर आप अपनी व्हीकल लेकर के आते हो और चाहते हो मार्केट, जो स्ट्रीट मार्केट है वहाँ पे बहुत सारे होटल्स है, अगर वहाँ रुकना चाहते हो तो अंदर ये देख लो अंदर अलाउ नहीं है, आपकी व्हीकल नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपको पार्किंग अवेलेबल है, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। देखो यहाँ बाइक्स लगे हुए हैं, ठीक है, आपकी कार भी होगी तो इधर ही पार्किंग हो जाएगी। और या तो थोड़ी देर पहले रुक जाओ, बंदीपुर एंटर करने से पहले भी एक दो रिजॉर्ट दिख रहे थे तो वहाँ भी रुक सकते हो अगर आपको प्रॉपर पार्किंग चाहिए तो। और आप अगर बैक पैकर हो तो कोई टेंशन नहीं है, बैग उठाओ और सीधे स्ट्रीट में एंटर करो। ये जो है बंदीपुर स्ट्रीट है, यहाँ से शुरू होता है और ये है प्रॉपर्टी जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। इनके पास भी कैफ़े है तो वो रात में बैठेंगे तो आपको दिखा देंगे कैफे। फटाफट आपको स्ट्रीट दिखाते हैं रैप मोड में, उसके बाद रैप मोड देख लेना, रैप जो भी बोलते हैं वो मोड देख लो, उसके बाद बात करते हैं बाकी। यहाँ कुछ चीजें हैं देख लो, खड़क देवी के लिए जिधर हम जा रहे हैं लेफ्ट जाना है, तीन धारा क्या है, टुंडी खेल लेफ्ट, नारायण टोल राइट। तो हम अभी यहाँ जा रहे हैं, देख रहे हो यार आर्किटेक्चर देख रहे हो। अच्छा द ओल्ड इन, ये मैंने एक बंदे के ब्लॉग में देखा था, ये प्रॉपर्टी है, काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है भाई साहब। चलिए खड़ग माई प्रवेश द्वार। सो अभी आपको मैंने टाइम रैप में दिखाया ये बंदीपुर को, दर्शन करते हैं ऊपर। दर्शन करके ये देखो द्वार दिख रहा है, यहाँ से एंट्री करना है तो दर्शन करते हैं माता जी का और उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे प्रॉपर मार्केट दिखाते हुए सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए ब्लॉग को करेंगे एंड। मंदिर का दर्शन करा दिया आपको, कैसा लगा माता रानी का दर्शन कराया? तो मंदिर एक्चुअली बंद हो चुका था, शायद से टाइमिंग होता होगा क्योंकि ऑलरेडी अभी टाइम हो गया है, 5 बजने वाले हैं तो मंदिर बंद पड़ा हुआ है। सर ये मंदिर कितने बजे बंद हो जाता है? सुबह आपको 6:30 बजे खुलती है, आपको 7 बजे तक बंद हो जाती है। 7 बजे बंद तो अभी ही हो गया है? अभी बंद हो जाता, सुबह माता खुलती है सुबह में ही। ओके। सो गाइस अभी सर से मैंने पूछा तो सर ने बताया कि 6:30 में मंदिर खुलता है, तो आपको अगर दर्शन करना है तो सुबह सुबह आकर के दर्शन कर लीजिएगा क्योंकि अभी 4:45 हो रहा है और मंदिर का गेट बंद हो चुका था। ठीक है, तो अभी हम जो पहला जो स्पॉट था हमारा, ये देख रहे हो ये पॉइंट, यहाँ पे गए हुए थे, इस जगह पे गए हुए थे और यहाँ से करके आए दर्शन, फिर ये मार्केट के थ्रू होते हुए गए और माता जी का दर्शन किया। अब चलते हैं, चल के आपको मार्केट दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। सो गाइस मंदिर मार्केट के बीच में ही है विंध्यवासिनी माई मंदिर, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखो ये है मंदिर और ये है माता जी का मंदिर, दर्शन कर लीजिए भाई। तीन धारा की तरफ जाते हुए देख रहे हो क्या खूबसूरत आर्किटेक्ट है भाई साहब मंदीपुर का, ये सारे घर हैं, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट है भाई साहब, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट है। सो बीके भाई अगर आप देख रहे हो इस व्लॉग को तो थैंक यू सो मच, आपके लिए थम्स अप, ना बताते और ना हम इतनी खूबसूरत जगह घूम पाते, एक्सप्लोर कर पाते। तो यार ये जो
पीछे आप देख रहे हो ना, ये पीछे छोटी छोटी बिल्डिंग्स हट जैसी दिख रही है ना, ये है तीन धारा, और तीन धारा को बोलते हैं तीन धारा पिकनिक स्पॉट के नाम से, ये बहुत फेमस है। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं अगर कुछ हिस्ट्री है यहाँ की तो आपको बताएंगे, अदरवाइज सिनेमैटिक शॉट्स के साथ खत्म करेंगे इस जगह को भी। So, यहाँ पे धाराएं हैं, लेकिन यहाँ पे तीन धारा तो नहीं दिख रही है, यहाँ पे पांच धाराएं दिख रही हैं। ये है पांच धारा, और कुछ इस तरीके से है ये स्पॉट, लगता है लॉर्ड शिवा की मूर्ति अंदर है। चलते हैं, चल के खुद भी दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस, अभी हिस्ट्री पता चली है कि पहले यहाँ तीन धाराएं थी, वो कन्वर्ट होते होते पांच धाराएं हो गई हैं, जो मैंने आपको दिखाया अभी, जहाँ पे दीदी कपड़े धो रही थी। ये रहे हमारे नंदी जी, ये तो बनता है भाई। जय भोलेनाथ, बम भोले बम भोले। सो हमने दर्शन कर लिया, आप भी दर्शन कर लीजिए वीडियो के माध्यम से। बेसिकली होटल वाला जो बंदा था उसने बोला भी था कि ये जो तीन धारा है ये पिकनिक स्पॉट के नाम से फेमस है, तो पिकनिक स्पॉट का कुछ नाम भी तो रखना होगा, ताकि ये देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे पिकनिक आके मनाते हैं लोग यहाँ पे, तो वही कहते हैं ना पिकनिक स्पॉट का कुछ नाम रखना था, तो शायद से इसलिए भी रख दिया हो तीन धारा, उस समय तीन धारा होगी, बाद में पांच धाराएं हो गई, तो अब इसका नाम चेंज करके पांच धारा रख दो भैया, पांच धारा। ये देखो रीना बीट्स श्याम श्याम बीट्स रीना, और सब अपने लवर्स जो है नाम लिखे हुए, देखो इसके ऊपर देख रहे हो सबका नाम लिखा हुआ है। सच कहा इसने, किसने? रविश ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रेम कहानियां लिखी हुई है, कहानियां समझे, कहानियां लिखी है भैया, आपको भी कहानी लिखनी है तो आ जाओ इस जगह पे, इस जगह पे आ जाओ। बंदीपुर और आपको हॉस्टल भी चाहिए, मैंने दिखा दिया हॉस्टल, मार्केट से आगे बढ़ना, एग्ज़िट की तरफ आना, जहाँ पे मार्केट एग्ज़िट होता है राइट में जाता है तीन धारा वाला रास्ता, तीन धारा वाला रास्ते में आप आओगे तो आपको थोड़ी दूर आगे आने के बाद, मतलब कि 100 मीटर आगे आने के बाद, आप देख रहे हो बिल्डिंग देख लो, देख के पहचान जाओगे, आपको मिल जाएगा वो हॉस्टल। हेलो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग यो यो। यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना आपको कैफ़ेज़ ही मिलेंगे, कैफ़े हॉपिंग कर सकते हो, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, कुछ कैफ़ेज़ तो मैंने आपको सिनेमैटिक शॉट्स से दिखाया भी। सो अभी रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रीट जो है रात में नेक्स्ट लेवल अलग ही दिखने वाली है, और ये इसकी बनावट जो है ये पागल हो गया है आने के बाद इस जगह पे, ये कह रहा है कि मैं नेपाल में नहीं है, मैं यूरोप में है, यूरोप कंट्री में। सो गाइज, ये जो आर्किटेक्ट है ना, आर्किटेक्चर जो बना हुआ है बिल्डिंग्स की जितने भी है, वो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि पेरिस वेरिस में जैसे घर देखे होंगे ना, मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन वीडियोस देखे हुए तो बिल्कुल वैसा ही आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर बिल्कुल वैसा ही है। तो बस रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक दो कैफ़े में कहीं बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे तो आपको बताएंगे जो भी प्राइस होगा, और उसके बाद ब्लॉग को कर देंगे एंड रात का दिखाने के बाद। नहीं 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 नहीं, सारी बच्चे इनको
चाहिए, इनको चाहिए क्योंकि बहुत थक गए हैं। और भाई जो मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग पीते हैं यार उसमें शर्माने की क्या बात है भाई, बॉडी थक जाती है। इतनी टफ राइड हमने की है भाई, नेक्स्ट लेवल की राइड की है। जो मना चेक करो, हाँ इंस्टाग्राम जाओ, जाओ इंस्टाग्राम पर जाओ, फोटोज भी देखने को मिलेंगे। सो बस रात होने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे लाइट्स जलेंगे इस स्ट्रीट के, नेक्स्ट बताया ना नेक्स्ट लेवल दिखेगा, इंतजार कीजिए। तब तक सिनेमैटिक शॉट्स इंजॉय कीजिए। What's your name? Archie. Archie? Yeah. Yours? Emmy. Yours? Charlotte. Sorry? Charlotte. Charlotte. And Oscar. Oh, right. Are you enjoying Nepal? Love it. Nepal. Absolutely love it. Anytime you visit India? We did it. Yeah, we just spent a month in India. How do you like India? Love it. Love India. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you so much. Enjoy. Bye-bye. 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 Bye. Bye. So, guys. Yeah. Village Resort. बंदीपुर विलेज रिजॉर्ट। और ये भाई साहब काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इस प्रॉपर्टी में पार्किंग है, और अगर आप कार लेके आते हो, बाइक लेकर के आते हो, तो आप पार्क कर सकते हो पीछे के साइड। बाकी जो अंदर की प्रॉपर्टी है, स्ट्रीट पे कोई भी प्रॉपर्टी जो आप देखे, आपने देखा व्लॉग में, उसमें कहीं भी आपको क्या नहीं मिलने वाला है, पार्किंग नहीं मिलने वाली, पार्किंग बाहर करके जाना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके पास पार्किंग है। लाइए बाई कार, आइए बाई बाइक, आइए लाइए पार्क कीजिए। और सामने इनका कैफ़े है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आइए कैफ़े में इंजॉय कीजिए। रूम भी काफ़ी अच्छा था, मैंने दिखाया था लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, तो काफ़ी अच्छा है। और ये भैया है जिसको मैंने मिलवाया था आपको लास्ट ब्लॉग में। तो बस चलते हैं, चल के थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं क्योंकि हमें जाना है अभी नाइट लाइफ देखने बंदीपुर स्ट्रीट का। चलिए। हाँ जी मित्रा, निकल गए थे स्ट्रीट पर जाने के लिए, निकले हैं, रात हो चुकी थी और बारिश ने अपना स्वागत बड़े अच्छे से कर दिया है, बारिश शुरू हो चुकी है। चलिए चलते हैं, किसी तरह बचा बचा के पहुँचते हैं स्ट्रीट पे। लाइट ऊपर है, कैप पहने हुए, फेस नहीं दिखता, इसलिए मुझे ऐसे शूट करना पड़ रहा है। चलिए। सो गाइस, हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो एक कपल मिले हैं, उनसे चीजें पूछते हैं, कुछ बता रहे हैं काठमांडू के बारे में, तो उनसे जानते हैं। या प्लीज मैम बताइए। Don't forget to explore Kirtipur Valley, which is same similar to this valley. Okay. So please go to Kirtipur Valley, which is my valley. Okay. So how much far from Kathmandu? From Kathmandu, maybe it's not that far. You're going from bus or from? From the Kathmandu Valley to Kirtipur, like half an hour with the bus, and you should do that visit in the Kirtipur. Because it's a similar place, but it's a spiritual place in the Kirtipur. There's a lot of place in the Hinduism, and there's a lot of temples, Hindu cultures, and also a lot of Newari cultures. A lot of things you can explore. The things I cannot explain in the words. You should do that, and we just go and visit the Kirtipur. That's all. Thank you so much, guys. Cheers. Cheers. Which god? Indraini god. You just participate in that and become wear a mask, okay, and become a god and dance like that. And in that time, you just get every energy and poses of the god. Yeah. And you also drink the blood of the animal by killing there. It happens in 12 years. And he is the god. YouTube also you can see Gottu Pyakong, which happens in 12 years in Kirtipur. You can see there. Thank you so much. And you can also see him. Thank you so much. So finally God is here. So finally we found God. Dad dekho bhai, dad dekho. Naam to batao. Dad dekho. Maine bhi chahte. आप हिंदी बोलते हैं? हाँ हिंदी बोलता हूँ। कितने क्यूट से बच्चे मिले हमको। दांत मूसा के लेके गया। मूसा के लेके गया।
तो मित्रों पहुंच गए थे, बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो एक ऐसे ही कैफ़े है बंदीपुर के स्ट्रीट पे, तो वहीं बैठ करके अभी सोचे कि डिनर करते हैं। और डिनर हमने मंगाया है, ये जो है आप देख रहे हो, जो इसको कहते हैं नेपाली थकाली, तो ये है नॉनवेज नेपाली थकाली और इसका प्राइस है 395 इन नेपाली करेंसी। तो इस लोकेशन पे, बंदीपुर जैसे लोकेशन पे, इतने कैफेज, इतने अच्छे अच्छे कैफेज हैं वहाँ पे, ये प्राइस सही है, क्योंकि हमने गांव में भी खाया, हमने ऐसी जगह पे खाया, वहाँ पे भी इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो ये फटाफट खाते हैं, फिर चलते हैं रूम पे, सोते हैं और कल आपसे मिलते हैं, जो गुफा है वो दिखाएंगे, ठीक है? तो कल तक इंतज़ार कीजिए, ठीक है?